मध्य प्रदेश में कल सीएम के नाम की घोषणा हुई। घोषणा होते ही महिलाओं का चेहरा उतर गया। महिलाओं का चेहरा इसलिए भी उतरा कि क्या उनकी लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं को इस बात का दुख है कि उनके भैया शिवराज अब सीएम नहीं है। आपको बता दें कि सीएम हाउस में महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा और पूर्व सीएम शिवराज से गले लगकर लिपट लिपट कर बहनाएं खूब रोई। कुछ भी कहें उसके पहले देखिए ये वीडियो। बैठ, आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको। नहीं छोड़ा, सवाल नहीं है छोड़ने का। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। ये वीडियो जब सामने आया तो बहनों ने कैसे वो फूट फूट कर रोने लगी। ये मामा की विदाई है, आप देख सकते हैं कि मामा गले लग कर ये बहनें रो रही हैं मामा से और किस तरह से उन्हें संभालते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कहीं ना कहीं श्रेया, शिवराज सिंह चौहान सिर्फ उन्हें ही नहीं अपने आप को भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे का दुख देखा जा सकता है। कल जब मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई थी तब भी शिवराज सिंह चौहान खुश नजर नहीं आ रहे थे। और बहरहाल ये कहना भी गलत होगा कि कोई लगातार 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा और अपनी कुर्सी किसी और को सौंपते हुए कैसे खुश हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि बहनों को ये साफ हो गया है कि लाडली बहना योजना जो है वो जारी रहने वाली है, वो बंद नहीं होने वाली है। बावजूद इसके ये बहना जो है ये दुखी हो रही है, और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने एक रिश्ता बनाया था इन बहनों के साथ लगातार इतने समय से। इसके पहले भी अगर हम 2018 के चुनावी नतीजों की बात करें तो जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और शिवराज सिंह चौहान अपना बंगला खाली कर रहे थे तब भी महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा था और तब भी महिलाओं ने रो रो कर शिवराज सिंह चौहान को, तब उनकी मामा वाली छवि थी और तब भी रो कर ही जो है शिवराज सिंह चौहान को सीएम हाउस से निकलना पड़ा था। एक बार फिर वही नज़ारा है। हालांकि सरकार जो बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की है, सीएम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन चेहरा बदल गया है। पर ये बहनें कह रही हैं कि अब वो बात नहीं रही। आपको नहीं छोड़ने का। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है। इस तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, इसका दुख है मध्य प्रदेश की उन बहनों को जिन्होंने लाभ लिया है लाडली योजना का, और इस तरह से ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं? क्या मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भी उतने ही चर्चित हो पाएंगे जितने शिवराज सिंह चौहान हैं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।